हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन इंडिया। तो देखिए, यूपी टेट 2018 वालों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई हैं। तो देखिए, जिनके जो हैं वो पासिंग मार्क्स नहीं बन रहे, उनके लिए वीडियो अच्छी रहने वाली हैं और गुड रहने वाली हैं, क्योंकि देखिए इसमें मैं जो नंबर मिलने जा रहे हैं उसकी पूरी चर्चा करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही गुड इन्फॉर्मेशन होने जा रही है। और देखिए, यदि आप अभी तक नहीं कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब, तो कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और दबाइएगा बेल आइकन को भी। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यूपी टेट 2018 वालों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट आई है। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो पासिंग मार्क्स नहीं बन पा रहे, तो उनके लिए किस प्रकार से जो है वो नंबर मिलेगा, किस प्रकार से उनका चयन होगा। तो देखिए, उनके लिए अभी तक मैं बता दूँ कितने नंबर का फ़ायदा और हो सकता है, पहले तो यही बात है सीधी। तो देखिए, उनको अभी जो है वो देखिए, आपको 3 नंबर तो मिला हुआ है, उसके बाद में भी आपको कितना नंबर मिल रहा है वो मैं बताना हूँ। तो देखिए, 5 नंबर अभी भी मिलने का पूरा चांसेस चल रहा है, 5 नंबर अभी भी चल सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्यों, क्योंकि देखिए, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर तो आपको जो है वो लगभग मिलना है कोर्ट से, डबल बेंच पर जो याचिका लगी है उसमें आपको 3 नंबर मिल सकता है, ये बात यहाँ पर होती है ख़त्म। तो 3 नंबर मिला यहाँ से, तो फिर आगे नंबर जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा। तो ये जो 2 नंबर यहाँ से मिलना है, वो 2 नंबर आपको यहाँ मैं बताऊँ। तो देखिए, 2 नंबर जो है वो आपको कुछ अलग प्रकार से मिलने जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आपके कुछ ऐसे भी पर्सन फिर से हो सकता है वगैरह कुछ भी, तो इसको लेकर अभी जो है वो यहाँ पर एक और आपको नंबर दिया जा सकता है 2। कैसे कि देखिए दोस्तों, यूपी टेट में आप एग्जाम दे रहे हो, आपके मान लीजिए 2 मार्क्स चूकेंगे, फिर 2 मार्क्स चुकेंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी कर सकता है आयोग कि आपको बैठा दे कंपटीशन में। इस ये आयोग की बात है, आयोग भी आपको नंबर दे सकता है, क्योंकि देखिए आयोग पर यदि आप प्रेशर डालोगे, आयोग पर दबाव डालोगे, तो आयोग आपको 2 नंबर दे सकता है, क्योंकि आयोग को पता है कि हमको कुछ नहीं है, हमको तो कट ऑफ बनाना है। लेकिन आयोग को थोड़ा सा यहाँ पर लगेगा कि हमको कट ऑफ बनाने में फिर दिक्कत आएगा, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होने से दिक्कत आएगा, इसको लेकर थोड़ा सा वो विचार भी कर सकता है। लेकिन देखिए, वो यदि ये विचार अपने मन में नहीं लाता है, तो बिल्कुल भी आपके लिए बात सीधी है, आपको नंबर मिलेगा। अगली देखिए, यहाँ पर ये मैंने पूरा का पूरा प्रोग्रेस बताया, 5 नंबर का चांसेस चल रहा है अभी, इससे अधिक की मांग है उनकी, तो यहाँ पर देखो कोई ऐसी बात नहीं। तो देखो, इसमें तो क्वालिफाई करने के लिए जो आपको मार्क्स दे रहे थे वो लाने थे, लेकिन फिर भी देखिए किसी प्रकार के क्वेश्चन कभी कम हुए, कभी कुछ हुए, कभी कुछ हुआ, फिर आखिरकार यहाँ पर क्वेश्चन कट कट आके नंबर बना ला के यहाँ पर मामला फिट हुआ। लेकिन मामला फिट होने के बावजूद क्या करा अभ्यर्थियों ने कि फिर से एक रीट डाला। इस रीट पर भी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बात सामने नहीं आया, पूरी तरह से बात नहीं हो रहा क्लियर। ये बात क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखिए इसमें क्या हुआ, मुद्दे उठे, 1 नहीं 2 नहीं 3 3 मुद्दे उठे, 3 मुद्दे उठ गए। इस वजह से यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बड़ा घोटाला सामने आ रहा, लापरवाही सामने आ रही, गड़बड़ सामने आ रही, जिस वजह से पूरी तरह से संशय बन चुका है, पूरी भर्ती पर संशय बन गया है, विवाद से घट चुकी है पूरी की पूरी भर्ती, यूपी टेट का हाल हो चुका है बेहाल। ये किस प्रकार से हुआ है हाल बेहाल, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि देखिए ये पहले से ही अच्छी देखो शुरुआत में अच्छी चली, ठीक चली, लेकिन जिस दिन से आंसर की आई उसी दिन से गड़बड़ा घोटाला चालू, उसी दिन से गड़बड़ घोटाला, फिर तो नाम नहीं ले रही गड़बड़ घोटाले को रुकने की। उस दिन के बाद में और आज दिन देख लीजिए, यहाँ पर गड़बड़ घोटाला बिल्कुल भी नहीं रुका है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम देखिए चर्चा कर रहे थे पासिंग मार्क्स की, पासिंग मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं। देखिए कुछ ऐसे हो जाएंगे, आप टोटली कर दीजिए कितने आ रहे हैं, लगभग टोटली आप देखिए कि अभी भी मैं चूक रहा हूँ, टोटली आप देखिए मिलाइए करिए सारा का सारा गणित करिए, फिर देखिए 5 नंबर मैं चूका रहा हूँ या फिर नहीं चूक रहा, इससे कम चूक रहे हो तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है, सीधा सीधा चयन है, सीधा सीधा चयन होगा। 3 से 4 मैं बता दूं आपको मिल जाएगा, लेकिन 3 का ही चांसेस चल रहे हैं कोर्ट से, तो इसी वजह से कह रहा हूँ। तो भाई इतना नंबर देखो तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, ऐसा कोई देने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूपी टेट का मामला कुछ और ही है, नंबर मिल रहा है, कर्सन कट रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखिए इस वजह से आपकी कट ऑफ जो है यानी कि वो लो जा रहा है, कट ऑफ था यानी कि देखिए निर्धारित था ही पहले, वो अभी चकम में हो रहा है और कंपटीशन देखिए बढ़ने का चांस रह रहा है।
कंपटीशन बढ़ रहा है पूरी तरह से। सुपर टेट का हाल अभी देखिए, सुपर टेट में बहुत ही दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पर देखिए जहाँ तक बात चल रही थी कि 4 लाख ही बैठेगा, लेकिन अभी मैं बता दूँगा आपको तो लगभग जो है वो 50,000 और बैठ सकते हैं। ये बात सामने आ रही है यूपी टेट वालों के लिए, 50,000 और बैठने जाए, यानी कि लगभग 4.5 लाख 4.5 लाख बैठने जाएंगे। इतने अभ्यर्थी जो हैं वो बच्चे हैं जो यूपी टेट में बैठने जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई बात नहीं, कंपटीशन बढ़ने दो, कुछ नहीं, आपका चयन हो रहा है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि आपका चयन हो रहा है सुपर टेट के लिए, क्वालिफाई कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए आप देख लीजिए, पासिंग मार्क्स मिला लीजिए, कितने नंबर बन रहे हैं, कितना नहीं बन रहा, कितना कट रहा है वगैरह पूरा देखिए पहले तो अपना, और कमेंट का ठोक दीजिए, कमेंट में यहाँ पर लिखिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, फिर हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, आपके नंबर बन रहा है फिर नहीं, तो कमेंट में अपने नंबर लिखिए कितने बन रहे कितने नहीं, कुल मिला के बताइए, कुल मिला के जो कट कटा के बन रहे वो कितने बन रहे, फिर मैं देखूँगा 5 नंबर आपके जोड़ने पर कितना बनेगा। तो देखिए कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए ये है यूपी टेट की। तो देखिए अभी मैं एक और अपडेट लेकर आ चुका हूँ जो कि है, देखिए ये क्या है, अलग ही अपडेट है थोड़ी सी, दूसरे कोर्ट से है सी टेट की। इसमें क्या है कि सी टेट का मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है, क्योंकि देखिए सी टेट का कहीं भी चांस नहीं है, फिर भी अभ्यर्थियों ने लगाई है रीट। क्या कहा है उसमें कि हमको चाहो है वो यहाँ पर आवेदन करने से वंचित रहे वगैरह, कि हम अब सुपर टेट में बैठने चाहते हैं, ये बात उनकी ही है। तो देखो भाई ये तो बात सरासर गलत भी कह सकते हैं हम, लेकिन जहाँ तक मैं बता दूँ गलत है तो कोई बात नहीं, कंपटीशन बढ़ने दो, लेकिन देखो सीधे सीधे आप बैठ रहे हो सुपर टेट में तो यहाँ पर आपको कोई नहीं बैठने देगा, फिर आप बैठोगे तो यहाँ पर दूसरे भी नाराज़ होंगे कि हमने कंपटीशन दिया यानी कि एग्ज़ाम दिया फिर भी हम तो बैठ रहे हैं, आप बिना बैठे हैं, तो यहाँ पर ये तो दिक्कत की बात साबित हो जाएगी, इससे कुछ नहीं होगा। देखिए सुपर टेट वाला यहाँ पर देखिए सुपर टेट में नहीं बैठेंगे, ये बात चांस चल रहा है अभी का, क्योंकि देखिए सी टेट का चांस बिल्कुल भी नहीं है। सी टेट जो अपना चल रहा है कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठ सकते आप, उसके लिए कुछ आपके पास सबूत भी होना चाहिए जो कि उनके पास इतने ही नहीं, और कोर्ट जो है वो सबूत ही सीधे सीधा मांगता है कि आपके पास सबूत का। इसी प्रकार हमारे भी ऐसा ही हुआ, PNP से जवाब तलब किया था, आप जो है पर्सनल ये दिए हैं उनको जवाब लाएंगे, PNP ने जवाब लिया दे दिया, जहाँ तक आपको मिलना था 4 नंबर वहाँ 3 नंबर मिला, क्योंकि देखिए संस्कृत में 2% थे जिन पर आपको नंबर मिल सकता, लेकिन एन मौके पर ही वहाँ पर एक सबूत मिल गया और वो जो नंबर मिल रहा था संस्कृत का वो कटा आपका और 3 नंबर ही दिया, ये बड़ी बात रही थी, क्योंकि उर्दू में 2 नंबर 1 नंबर फिर संस्कृत में मिला, ये बड़ी बात रही। और इसी प्रकार का स्टेट में हाल है, यहाँ पर सबूत मांगा गया सीधा सीधा कोर्ट सबूत पर ही फैसला देने वाला है। तो देखो यूपी टेट की वीडियो अच्छी लगी रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।